हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट मास्टर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हुआ है, सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का, एडवर्टीजमेंट नंबर 03/2020, ठीक है, और 08/08 और 09/2020, ठीक है, सबका जो एग्ज़ाम हुआ है आज के डेट में, यानी कि 14th, ठीक है। आज ये वीडियो आप देख रहे होंगे 15th या फिर उसके बाद 15 अक्टूबर, और उसके बाद आप देख रहे होंगे। तो ये एग्जाम जो है कंडक्ट हुआ है कब, तो 14th ऑफ अक्टूबर को, ठीक है, 14th ऑफ अक्टूबर को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो उसी का जो है आज का ये जो वीडियो है, इसमें हम लोग पेपर 4 यानी कि जनरल इंजीनियरिंग साइंस जो है, इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है, उस 50 क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत में आपका कितने क्वेश्चन जो है आपके सही हो रहे हैं, कितने मार्क आ रहे हैं आपके, ये आप जरूर अपना मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि ये आंसर सही नहीं हो सकता है या गलत है, जो भी है, और किसी तरह का डाउट हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये इसका क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, गेट मास्टर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जा करके आप इसका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबका लिंक जो है, आपको जो भी आपके जरूरत का लिंक है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप आने वाले एग्जाम जैसे 07/2020 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर मॉक टेस्ट आपको चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, या फिर लेक्चर का मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके पास टेस्ट सीरीज है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कोर्सेज हैं, ठीक है। जो भी आपको चाहिए सब आपको मिल जाएगा गेट मास्टर के मोबाइल ऐप पे, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग बिना कोई देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो ये सेशन है, जिसमें हम हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है इसमें पूछा गया पेपर 4 में जनरल इंजीनियरिंग साइंस में, उसका हमें सोल्यूशन करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेपर का पैटर्न तो आपको पता ही है कि टोटल 50 क्वेश्चंस किए गए थे, 1 घंटे का टाइम था और 100 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें अगर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो है इसका आंसर आपके सामने आएगा ऑप्शन बी, यानी कि TY16। TY16 इसका आपको आपके पास सही आंसर आएगा। क्वेश्चन 2 की बात करें, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी आएगा, 2.54, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 को जब आप सॉल्व करेंगे, तो इसमें स्लेंडरनेस रेशियो पूछा जा रहा है, तो स्लेंडरनेस रेशियो एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम होता है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन डी आपके पास सही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 का आंसर जो होता है, बोल रहा है इसमें द कॉमन हाउस होल्ड गैसेज, जो हाउस होल्ड गैसेज होता है उसमें कौन सा होता है, सोडा लाइम गैसेज इसको बोलते हैं, ठीक है। 4 का डी हो जाएगा, सोडा लाइम गैस ग्लास, सॉरी, तो जो कॉमन हाउस होल्ड ग्लास जो होता है उसको हम लोग सोडा लाइम ग्लास बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर इज यूज फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स गुड, ठीक है। तो कौन सा जो वुड है उसको स्पोर्ट्स गुड बनाने में यूज किया जाता है, तो इसको जो है मलबड़ी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, बॉल बियरिंग आर जनरली मेड अप ऑफ, जो बॉल बियरिंग होता है वो किसका बना हुआ होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्बन क्रोम स्टील, ठीक है, कार्बन क्रोम स्टील ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये हाउ मेनी यूज्ड फॉर, जो भी है इसका जो सही आंसर है देख लीजिएगा आप, फूड प्रोसेसिंग मशीनरी में किसका यूज किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कॉपर में पूछा जा रहा है कि कॉपर का जो स्ट्रक्चर है FCC है, तो और एटॉमिक रेडियस 1.2 एंगस्ट्रम है, तो और उसका एटॉमिक मास जो है 63.5 दिया हुआ है, डेंसिटी कैसा क्या होगा, डेंसिटी जब आप निकालेंगे तो इसका जो देखिए सब में 8.9 × 10³ दिया हुआ है, लेकिन आप अगर कॉमन सेंस भी लगाएंगे या फिर इसको गेस करके भी इसका आंसर लगाया जा सकता है कि यूनिट क्या होगा, तो केजी पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा, केजी पर मीटर क्यूब होगा, तो यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है, बोल रहा है कि इसमें इन वर्क मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ ट्रांजेक्शनल एनालिसिस इज अप्लाइड
डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है टीए का, तो यह है कॉज ऑफ बिहेवियर ऑफ पर्सन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, तो टेंथ क्वेश्चन का जब आप आंसर निकालेंगे तो यह जो है आ जाएगा 0.84, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पूछ रहा है इसमें डिप्रिसिएशन इज, डिप्रिसिएशन ऑफ मैकेनिक मशीन्स इज कैटेगराइज अंडर द हेड, तो ये जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसका सही आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है बर्नौली थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर, बर्नौली थ्योरम जो होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूड फ्लो के लिए एप्लीकेबल होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, इसको हम लोग देखते हैं, तो बोल रहा है द कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बताता है, तो ये जो है मास फ्लो रेट बताता है किसी भी स्ट्रीम लाइन के लो, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14th, बोल रहा है हेड लॉस इन टर्बुलेंट फ्लो इन अ पाइप, जो पाइप होता है उसमें हेड लॉस जो होता है टर्बुलेंट फ्लो में क्या बताता है, तो ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जब आप निकालेंगे तो एफ एल बी स्क्वायर बाई 2 dG से, तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हेड लॉस और टर्बुलेंट फ्लो, हाँ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी की, ठीक है। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस एज पर, तो ये जो हीट ट्रांसफर होता है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो है होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 16th, अ ग्रे बॉडी इज वन हुज ऑब्जर्विटी, जो ऑब्जर्विटी है ग्रे बॉडी का क्या होता है, वो इसका जो होता है डजेंट वेरी विथ टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट, ये ऑप्शन बी इसका सही होगा आंसर। 17th क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अकॉर्डिंग क्या है इसमें से सही, तो इसका जो सही आंसर है वो है हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, ठीक है, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18th देखते हैं हम लोग, बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट, तो इसका जो सही आंसर है वो क्लॉसियस स्टेटमेंट जो था वो था कि जब कोई हीट जो है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफर होता है तो उसके लिए कोई एक्सटर्नल वर्क की जरूरत पड़ती है, तो ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, बोल रहा है इसमें द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल कंपेयर टू डीजल साइकिल ऑफ द गिवन कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो फिक्स है तो ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल ये दोनों में किसका एफिशिएंसी ज्यादा होता है, तो ये जो होता है ऑटो साइकिल का जो एफिशिएंसी होता है ज्यादा होता है, तो वही होगा ऑटो साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, ठीक है। तो 19 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन। 20 का हम लोग देखते हैं, रिएक्शन टर्बाइन आर यूज्ड फॉर, रिएक्शन टर्बाइन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो लो हेड और हाई डिस्चार्ज के लिए, ठीक है, लो हेड और हाई डिस्चार्ज के लिए हम लोग रिएक्शन टर्बाइन को यूज करते हैं। 21st देख लेते हैं हम लोग, देखिए इसका जब आप निकालेंगे तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है क्या होगा, तो जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए पूछ रहा है इसमें मैनोमेट्रिक हेड जो है एच है, क्यू है डिस्चार्ज और ईटा जो है एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द पंप, रो ही क्या है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और तो पूछ रहा है पावर का, पावर क्या होगा, तो ये जो होता है रो क्यू एच बाई एन होता है 75 N, तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन 22, अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर है 4 माइक्रोफेराड 5 माइक्रोफेराड और 8 माइक्रोफेराड का, बोल रहा है ये सब क्या है सीरीज में, तो सीरीज में आप इक्वेलेंट इसका निकाल सकते हैं 1/C इक्वेलेंट करके, 1/C इक्वेलेंट इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/8, तो इस तरह से यहाँ से आप उसको निकालेंगे तो, और Q इक्वल टू CV से जो है टोटल जो है चार्ज आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो टोटल चार्ज आएगा और ये बोल रहा है कि सीरीज में है और सीरीज में है तो सारे में जो है चार्ज आपको निकालना है कितना कितना होगा, तो देखिए सारे में चार्जेज जो अगर से और सीरीज में जो होता है तो जितने भी कैपेसिटर होंगे सब में इक्वल चार्ज होंगे, तो इक्वल चार्ज होंगे तो कितना टोटल 400 माइक्रो कूलम चार्ज आएगा, तो उसको क्या करेंगे हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 133 के अप्रॉक्स आएगा, तो सबसे ज्यादा अच्छा आंसर जो है सुटेबल आंसर हमें यही लग रहा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है 22 का ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 में जब हम लोग करेंगे तो ये देखिए ये तीनों पैरेलल में है R/3 हो जाएगा, ये तीनों भी पैरेलल में R/3 और ये तीनों भी पैरेलल में R/3, तो 3 R/3 जो है ये सीरीज में आ जाएगा तो नेट आर हो जाएगा, और ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, 3 R जो है पैरेलल में हो जाएगा तो R/3 हो जाएगा, तो नेट क्या हो जाएगा R/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 24, 24 में बोल रहा है कि जब स्टार नेटवर्क है उसका
जो जितना भी रेसिस्टेंस है वो R/3 है। तो अगर हम उसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे डेल्टा नेटवर्क में, तो जो इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस आएगा, वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग स्टार से डेल्टा में जाते हैं तो अगर रेसिस्टेंस इक्वल है तो रेसिस्टेंस जो है 3 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो R/3 को अगर 3 टाइम्स करेंगे तो ये R हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। 25 का जब आप आंसर निकालेंगे, बोल रहा है टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दो कॉइल पैरेलल में कनेक्टेड है, वोल्टेज है 300, ठीक है, और उसके बाद टोटल करंट है 13 एम्पियर और पावर है 1600 वाट। तो डिटरमाइन करने के लिए क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द रेसिस्टेंस ऑफ ईच कॉइल, सारे कॉइल का रेसिस्टेंस निकालना है। दो रेसिस्टेंस आएगा आपके पास यहाँ पे, और दोनों रेसिस्टेंस में देखिएगा एक रेसिस्टेंस जो है आपके पास लगभग जो है वो आएगा ऑप्शन बी के आसपास, ठीक है, 12.16 के आसपास आएगा। ठीक है, एक रेसिस्टेंस, और दूसरा रेसिस्टेंस हो सकता है इधर उधर है, दूसरा रेसिस्टेंस कुछ चेंज आएगा, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26। 26 में अगर आप देखेंगे तो 26 में पूछ रहा है इफ इक्वलाइजर बार इज नॉट यूज इन टू पैरेलल कनेक्टेड कंपाउंड डीसी जनरेटर, देन जब इक्वलाइजर यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वन ऑफ द जनरेटर में रन एज मोटर। ठीक है, तो जनरेटर जो है मोटर की तरह बिहेव करने लगता है इस केस में। 27 का जब आप आंसर निकालेंगे तो 27 में देख लेंगे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 97.56%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। 28 देखिए ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी डिलीट करेगी, क्योंकि इसका जो डायग्राम है, फिगर उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, तो फिगर नहीं देने के कारण ये क्वेश्चन जो है डिलीट करेगी, और इसका फिगर जो है आपको, आप जब देखेंगे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इसका फिगर जो है मिस्टेक से दूसरे क्वेश्चन के साथ अटैच कर दिया गया है। ठीक है, तो वो मायने नहीं रखता है किस क्वेश्चन के साथ अटैच किया है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आप जो भी किए होंगे आपको कुछ मार्क नहीं मिलने वाला है, ये क्वेश्चन बीपीएससी डिलीट करने जा रही है। ठीक है, चलिए किसमें इस क्वेश्चन का फिगर किसमें यूज किया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा वो। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि दो कॉयल है सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसका जो इफेक्टिव इंडक्टेंस है वो है 20 हेनरी, और जब उसमें से क्या करता है एक को रिवर्स कर दिया जाता है तो उसका इफेक्टिव हो जाता है 6 हेनरी, और कोफिशियंट ऑफ कपलिंग का भी वैल्यू दिया हुआ है 0.6। तो सेल्फ इंडक्टेंस दोनों कॉयल का अलग अलग पूछ रहा है कितना होगा, और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कितना होगा, यानी कि एम का वैल्यू पूछा जा रहा है और L1 L2 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो एम एम का वैल्यू जब आप निकालेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपके सामने मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले जैसे 20 का जो वैल्यू है वो क्या है, L1 प्लस L2 प्लस 2 M। ठीक है, और यहां से 6 का जो वैल्यू है क्या है, L1 प्लस L2 माइनस 2 M। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो यहां से M का जो वैल्यू है ये आएगा 3.5। ठीक है, ये 3.5 आएगा, और इस 3.5 में इसको अगर पुट करेंगे तो यहाँ से L1 प्लस L2 जो आएगा, यहाँ से L1 प्लस L2 इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास कितना, लगभग 12 के इक्वल। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि जो के होता है, के यानी म्यूचुअल ये सॉरी कोफिशियंट ऑफ कपलिंग, इसका जो वैल्यू होता है ये होता है M, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय अंडर रूट L1 into L2 L1 L2। ठीक है, ये होता है, यहाँ से जब आप इसका अंडर रूट L1 L2 यानी कि L1 into L2 का वैल्यू आप निकालेंगे तो ये जो है ये आ जाएगा 35/6। यहाँ पे 0.6 हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा, तो 35/6। इसको देखिए तो ये अप्रॉक्स जो है 36 के आसपास है। ठीक है, 36 के आसपास है, तो यहाँ पे M का वैल्यू क्या है, 3.5। तो 3.5 जो है दो ही ऑप्शन में, 3.5 दो ही ऑप्शन में है, एक तो A में है और दूसरा B में है। अब इसमें देख लीजिए कि L1 L2 यानी कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन किस में 36 आ रहा है, तो ऑप्शन ए में जो है वो 36 आ रहा है, 12 है और 3 है, एग्जैक्टली 36 आ रहा है, और इसमें जो है लगभग 25 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए, और ये यहाँ से अगर आप इसको सेटिस्फाई करवाइएगा तो ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रोक्स करके लिया है, ठीक है। ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन लगभग दोनों में डिफरेंस जो है, जैसे यहाँ पे रख करके हम लोग देखते हैं तो 12 + 3 क्या हुआ, 15, 15 + 2m यानी कि 7, यानी 22 हो जाएगा। अगर ये 22 से इंक्रीज हुआ तो इसका भी वैल्यू जो है 22 से, सॉरी, ये 2 से इंक्रीज हुआ तो ये भी 2 से इंक्रीज करेगा। देख लीजिए आप, 15 - 7 यानी कि 8, तो ये भी 2 से इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना है। तो अप्रोक्स हमारा जो है सबसे मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो हम यहाँ पे कर देते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30। देखिए इसी क्वेश्चन में जो है ये 28 का जो फिगर है, इस क्वेश्चन का 28 का फिगर वो इसी क्वेश्चन में डाल दिया गया है। इस क्वेश्चन में फिगर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को बीपीएससी डिलीट करेगी, इस क्वेश्चन को डिलीट करने के चांसेस बहुत कम है। हो सकता है इस क्वेश्चन को डिलीट नहीं करे, क्योंकि तो ये एक्स्ट्रा है। ऐसा नहीं है कि ये देने से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये अगर नहीं भी दिया जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और ये दे भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है ग्राफ ऑफ नेटवर्क हैज 8 नोड, 8 नोड है, 5 इंडिपेंडेंट लूप है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ द ग्राफ, तो नंबर ऑफ ब्रांचेज जब हम लोग निकालेंगे तो आएगा 12, 12 इसका आंसर आएगा, तो 12 ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 देख लेते हैं हम लोग, सॉरी 31। 31 का जो सही आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन बी, 0.5। ये जो है गेट 2018 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आरएलसी सर्किट इज कनेक्टेड, ये सब है। तो इसका जो सही आंसर है जब हम लोग निकालेंगे 32 का, तो देख लीजिएगा 6.37 माइक्रोफेराड आएगा। 33 का जो आंसर है ये जो है संट मोटर है, जो डीसी संट मोटर 200 वाट का, सॉरी वोल्ट का। तो यहाँ पे बोल रहा है टॉर्क जब है 54 न्यूटन मीटर, कितना करंट पे, 10 एम्पियर करंट पे। तो टॉर्क बोल रहा है, पूछ रहा है किस पे करंट पे, 20 एम्पियर पे। तो इस केस में जो है टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो करंट होता है उसके। तो यहाँ पे करंट जो है डबल हो गया है, तो टॉर्क भी क्या होगा, डबल हो जाएगा, यानी कि टॉर्क जो है 54 से क्या हो जाएगा, 108। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 34 का देखते हैं, 34 का जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। इंक्रीज मोटर, इंक्रीज मोटर ऑपरेटर एट लैगिंग पावर फैक्टर एंड अल्टरनेटर एट लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। चलिए 35 को देख लेते हैं हम लोग। 35 में देखिए 2 वाट मीटर है, और एक जो है उसमें क्या, द रीडिंग ऑफ 1 वाट मीटर इज 5000 वाट, ठीक है। 1 वाट मीटर का रीडिंग जो है 5000 वाट है, एंड द अदर वाट मीटर डिफ्लेक्ट इन रिवर्स डायरेक्शन। यहाँ पे ये जानने वाली बात है, रिवर्स डायरेक्शन में दूसरा जो वाट मीटर है वो है। तो ऑन इंटरचेंजिंग द पोटेंशियल टर्मिनल द सेकेंड वाट मीटर रीड्स 1000 वाट, ठीक है। तो इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें कुछ बोल रहा है कि वाट पावर इज मेजर्ड इन अ 3 फेज लोड बाय 2 वाट मीटर। 3 फेज लोड है, उसमें 2 वाट मीटर के द्वारा जो है पावर को मेजर किया जा रहा है। रीडिंग ऑफ 1 वाट मीटर का जो है वो 5000 वाट है, एंड द अदर वाट मीटर डिफ्लेक्ट इन रिवर्स डायरेक्शन। दूसरा वाट मीटर जो है रिवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट है, तो यानी कि रिवर्स उसका रीडिंग है। तो बोल रहा है कि ऑन इंटरचेंजिंग द पोटेंशियल टर्मिनल द सेकेंड वाट मीटर रीड्स 1000 वाट। अगर पोटेंशियल टर्मिनल को अगर इंटरचेंज कर दिया गया है, यहाँ पे पोटेंशियल टर्मिनल को इंटरचेंज कर दिया गया है, तो उस केस में जो है सेकेंड वाट मीटर का रीडिंग 1000 वाट है। तो टोटल पावर कंज्यूम्ड क्या हो गया, यहाँ पे देखिए टर्मिनल को चेंज कर दिया गया है, तो जो रिवर्स था वो क्या हो जाएगा, सही डायरेक्शन में हो जाएगा, फिर सेम डायरेक्शन। तो नेट जो है पावर क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। वही अगर रिवर्स में ही रहता तो क्या हो जाता, माइनस हो जाता, 400 हो जाता। अगर रिवर्स में ही रहता तो 400, अगर क्या है इंटरचेंज कर दिया गया है टर्मिनल को, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 6000 वाट हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 36। बोल रहा है इसमें द मेन पोल्यूटेंट्स एमिटेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। देखिए ऑटोमोबाइल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी एमिट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी एमिट होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है, और हाइड्रोकार्बन भी होता है। तो ये इसको अगर देखें तो अब अपने ऑप्शन को, तो ऑप्शन बी भी हमारा मैच कर रहा है, सी भी मैच कर रहा है, और डी भी मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है द मेन पोल्यूटेंट, तो मेन पोल्यूटेंट हम लोग किसको लेकर के चलेंगे, क्वांटिटी को लेकर के, सबसे ज्यादा क्या रिलीज होता है, एमिट होता है, तो उसको लेकर के चलेंगे। तो सबसे ज्यादा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा होता है, और फिर होता है हाइड्रोकार्बन, और फिर नाइट्रोजन।
कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर हाइड्रोकार्बन और फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर है। ठीक है, बाकी बाकी में जो है सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड थोड़ा सा कम होता है, वो भी होता है मेजर अमाउंट में, बट थोड़ा सा कम होता है। तो ये हो गया ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए 37 देख लेते हैं हम लोग। द कॉमन मेथड एडॉप्टिंग फॉर डिसइंफेक्शन और ड्रिंकिंग वाटर, डिसइंफेक्शन ऑफ होगा यहाँ पे और नहीं होगा, डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इम्प्लाइड इन होस एप्लीकेशन इन इज बाय यूजिंग फिल्टर एंड फिल्टर और क्लोरिनेशन से हम लोग इसको डिसइंफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ताजमहल इज थ्रेटन्ड बाय पोल्यूटेंट फ्रॉम, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसके कारण ताजमहल को पे बुरा असर पड़ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39th क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर शोन इन फिगर। ठीक है, ये टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, एक है F1 और दूसरा है F2। ठीक है, एक इस डायरेक्शन में F1 और इधर F2 में है। तो नेट आर जो है उसके बारे में पूछ रहा है, तो नेट R1 क्या हो जाएगा, आर से देखिए डिस्टेंस, F1 इंटू D1 और F2 इंटू D2, D1 इक्वल टू F2 D2, ये देख लीजिए ये ऑप्शन सी में है, तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। 40th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑन अ लेडर असिस्टिंग ऑन अ स्मूथ ग्राउंड एंड लीनिंग अगेंस्ट रफ वर्टिकल वॉल, वो वर्टिकल वॉल जो है वो रफ है और स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। ठीक है, बोल रहा है उसके बाद द फोर्स ऑन फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरह से एक्ट करेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है अपर एंड पे अपवार्ड लाई करेगा कि डाउनवार्ड, देखिए मूव करना चाहेगा वो डाउनवार्ड की तरफ। ठीक है, तो फ्रिक्शन अपवार्ड की तरफ एंड करेगा, तो अपवार्ड एट अपवार्ड अपर एंड, तो अपर एंड पे अपवार्ड लाई करेगा, ये एक्ट करेगा फ्रिक्शन। ठीक है, 41 देख रहे हैं हम लोग। 41 में है एक सर्कुलर डिस्क है रोटेटिंग विथ कंसिस्टिंग एंगुलर मोमेंट दिया हुआ है उसका, उसके बाद मास भी दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो काइनेटिक देखिए रोटेट रोटेट हो रहा है, ठीक है, और मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, तो ये किस तरह का मोशन है, रोलिंग मोशन है, और रोलिंग मोशन में क्या होता है, रोटेशनल भी होता है ट्रांसलेशन भी होता है, तो ट्रांसले और यहाँ काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है रोटेशनल और काइनेटिक, यहाँ पे रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों मोशन है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पहले तो हम लोग ले लेते हैं ट्रांसलेशन के द्वारा ½ mv² और प्लस ये रोटेशनल के द्वारा भी लेना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा ½ i ω² ठीक है, जब हम लोग इसको निकालेंगे भी क्या हो जाएगा ओमेगा आर, तो जब हम लोग पुट करेंगे तो इसका जो वैल्यू है ये आ जाएगा लगभग 187.5, ठीक है 187.5 न्यूटन मीटर इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन 42। 42 में पूछा है कि इफ द टेंशन इन अ केबल सपोर्टिंग द लिफ्ट मूविंग अपवार्ड, ठीक है टेंशन जो है अपवार्ड में मूव कर रहा है, तो इज ट्वाइस द टेंशन व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, द एक्सलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज इक्वल टू, तो जब आप निकालेंगे तो एक्सलरेशन जो आएगा ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन ए यानी कि gy3 के बराबर। ठीक है, 43 को देखते हैं हम लोग, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट कैन बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क लाइक टू क्लियर द साइट ऑफ वर्क एंड टू मेक द लैंड लेवल। ठीक है, तो साइट को क्लियर करने के लिए और लैंड को लेवल करने के लिए किसको हम लोग किसका हम लोग यूज करते हैं, तो बुलडोजर का यूज करते हैं, तो बुलडोजर इसका सही आंसर हो जाएगा 43। 44 देखते हैं हम लोग, बोल रहा है साइज ऑफ अ थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाय, साइज जो होता है वो थियोडोलाइट का वो किसके द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है डायमीटर ऑफ लोअर ग्रेजुएटेड प्लेट, नीचे जो ग्रेजुएटेड प्लेट होता है उसमें उसके डायमीटर को के अकॉर्डिंग उसको जो है उसका साइज हम लोग बताते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, उसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन टोटल स्टेशन इक्विपमेंट, टोटल स्टेशन में से इसमें से क्या यूज नहीं किया जाता है, तो टोटल स्टेशन में देखिए एडिलेड नहीं होता है, एडिलेड को हम लोग प्लेन टेबल में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, रिपीटेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन फिक्स इनपुट, जो देखिए रिपीटेटिवली जो होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग कोई भी अगर प्रिसाइज वैल्यू अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम लोग रिपीट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्रिसीजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि LVDT, LVDT क्या है, LVDT वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, LVDT जो होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये जो है
म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। तो वेरिएबल म्यूचुअल इंडक्शन जो है इसका सही आंसर है। 48 देख लेते हैं हम लोग। द बेसिक यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट का जो बेसिक यूनिट है तो वो होता है डिग्री, ठीक है, मिनट सेकंड ये सब नहीं होता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज्ड, यूनिवर्सल सरफेस गेज का हम लोग यूज किसके लिए करते हैं, तो इसका जो यूज है वो हम लोग करते हैं इंस्पेक्शन और लेआउट वर्क के लिए, फॉर लेआउट वर्क एंड इंस्पेक्शन। 50th है कि मोहर सर्कल कंस्ट्रक्शन इज वैलिड फॉर बोथ स्ट्रेस एज वेल एज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्सिया। देखिए मोहर सर्कल का यूज हम लोग एरिया मोमेंट ऑफ इनर्सिया और स्ट्रेस दोनों में हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों जो है टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है, तो बोथ आर टेंसर क्वांटिटी, टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का टेंसर क्वांटिटी, ठीक है, इसीलिए हम लोग मोहर सर्कल को दोनों में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 50 क्वेश्चन का जो आंसर है वो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और बाकी अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी तरह का तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कोई सजेशन हो किसी तरह का तो। और ये क्वेश्चन चाहिए तो अगर PDF तो उसके लिए भी आप हमें हमारे टेलीग्राम जो जो चैनल है गेट मास्टर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें जा करके आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। बाकी किसी भी तरह के क्वेरीज हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग जो सिविल का पेपर 5 और पेपर 6 है उसका भी आंसर करेंगे, और जो मैकेनिकल का है और इलेक्ट्रिकल का है उसका भी आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सारे दोस्तों के साथ जितने भी दोस्त हैं आपको आपके पास सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं या फिर चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह के अपडेट आपको रेगुलर चाहिए, चाहे वो AE का हो या फिर लेक्चर का हो किसी का भी, तो या आपके किसी भी एग्जाम का, तो आप हमें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।